आज से कुछ दशकों पहले हम अक्सर फिल्मों या सर्कस में ऐसे इंसान देखते थे जिनका कद काफी छोटा होता था और छोटे कद के कारण अक्सर उनका काम सिर्फ दर्शकों को हंसाना ही होता था। उस वक्त सबको ऐसा ही लगता था कि ऐसे इंसान सिर्फ सर्कस या फिल्मों में हंसाने के लिए ही होते हैं, लेकिन समय के साथ लोगों को सोच में काफी फर्क आ गया है और ऐसे लोगों की मेहनत और लगन के कारण लोगों को पता चला कि यह लोग भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम आम इंसान करते हैं। ऐसी ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलती है। भावनगर गुजरात के गणेश की हाइट सिर्फ 3 फीट है और वेट 15 किलोग्राम है। इतने छोटे कद के होते हुए भी गणेश की सोच बहुत बड़ी है। गणेश डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनकर गाँव के लोगों का फ्री में इलाज करना चाहता है जो गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। लेकिन गणेश के लिए यह सफर आसान नहीं था। जब उसके 12वीं में 87% नंबर आते हैं, इसके बाद वह नीट की परीक्षा देता है और उसे भी क्वालिफाई कर लेता है। अब वह अपने डॉक्टर बनने के अपने सपने को जमीन पर उतारने वाला होता है कि उसे पता चलता है कि उसके बाद भी उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि उसकी 3 फीट की हाइट और 15 किलो वजन। मेडिकल की भाषा में बोले तो वह 72% दिव्यांग है, लेकिन जिस लड़के को उसकी शारीरिक कमी ना हरा पाई, उसे कुछ लोग क्या हराएंगे। गणेश ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में आवाज उठाई, लेकिन वहां उसे निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने गणेश के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि गणेश किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। कोर्ट का कहना था कि केवल लंबाई की वजह से किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। शारीरिक अक्षमता किसी भी चीज के लिए आधार नहीं बन सकती। उसके बाद 2019 में गणेश को भावनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। गणेश अपनी 6 बहनों के बाद इकलौता भाई है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कई बार लोग अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण निराश हो जाते हैं और अपने सपनों को अधूरा ही छोड़ देते हैं, लेकिन गणेश जैसे लोग ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है। गणेश का नाम दुनिया के सबसे छोटे कद के डॉक्टर के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें और शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही और मोटिवेशनल इनक्रेडिबल लोगों का वीडियो आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।